श्री मलूक नागर। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस एसटी बिल पे बोलने का मौका दिया। अभी हमारे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी कह रहे थे कि कुर्मियों को इसमें कर दो, राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां से कहते हैं हमने पत्र गुजरों के बारे में भारत सरकार को भेजा है और भारत सरकार स्पष्ट करती है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पेंडिंग नहीं है जो नौवीं सूची में डाल के एसटी में शामिल ना करा जाए। तो ये कांग्रेसी बता दें, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने पत्र भेजा वहां से, नहीं भेजा ये। और बाकी 56% दूसरे पिछड़े हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कसर, सुनार, लोहार, कुम्हार, क्या इन अकेले कुर्मी चाहिए राजस्थान में? अगर इन्होंने नहीं करा तो 56% लोग आने वाले में एक भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, हम भी कमजोर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, जिससे अपनी ये अपनी बात ना चला पाए। तो ये राजेश पायलट भगवान था गुजरों का, उसको कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। तुरंत राजस्थान को, मैं मांग करता हूं, तुरंत राजस्थान के गुजरों को नौवीं सूची में डाल के एसटी में डाला जाए और गहलोत को हटा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष आने वाले समय में। श्री संतोष।